हमें मालूम ही है कि आज हमारा बोर्ड क्लासेस का विदाई समारोह का ये कार्यक्रम है। विदाई समारोह को लेकर मैं थोड़ा सा बाद में बात करूंगा, पहले जो जनरल जानकारी है वो हमारे पास होना जरूरी है। क्लास फिफ्थ, एट्थ, टेंथ और ट्वेल्थ, ये चारों बोर्ड क्लासेस हैं और इन चारों ही क्लासेस को हम लोग विदाई देते हैं, लेकिन मेनली तो ये विदाई केवल क्लास 12 वालों के लिए होती है। हम 10th वालों को भी एक तरह से विदाई इसलिए देते हैं कि हो सकता है आगे जाके वो किस ब्रांच में जाए ये हम कह नहीं सकते हैं। फैकल्टीज हैं, साइंस है, कॉमर्स है, तो जो साइंस लेने वाले बच्चे हैं वो इस विद्यालय को छोड़ कर जाएंगे और कॉमर्स और आर्ट्स लेने वाले बच्चे हैं वो इस विद्यालय में कंटिन्यू कर सकते हैं क्लास सीनियर तक। हमारे स्कूल का रिजल्ट हर साल बहुत ही अच्छा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब चाहे हम खेल कूद के रिजल्ट लाए, चाहे हम कैसे भी रिजल्ट लाए, लेकिन हमारा अभी तक सुपर रिजल्ट में काउंट होता है और ये एक हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हर साल हमें टेंशन होती है, अरे यार रिजल्ट कैसा रहेगा, ये बच्चा तो ये बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है, ये तो इतने ही नंबर ला रहा है, लेकिन ओवरऑल जब हम बाद में देखते हैं तो हमारा रिजल्ट अप्रोक्सीमेट बहुत ही अच्छा जाता है। कोई एक आध बच्चे का हम कह नहीं सकते, बाकी मैक्सिमम हमारा रिजल्ट ओवरऑल अच्छा ही जाता है। तो मैं ये बोर्ड क्लासेस के जो अब एग्जाम होने वाले हैं 31 मार्च से, उन लोगों को स्पेशली कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपना विद्यालय शुल्क जमा करवाकर अपने एडमिट कार्ड प्राप्त कर लें और उसके बाद 31 को जब आपका एग्जाम है तो सेंटर पर अपने टाइम से थोड़ा सा पहले पहुंचे, कम से कम हाफ एन आवर बिफोर द एग्जाम टाइम, ठीक है। एग्जाम टाइम से कम से कम आधे घंटे पहले उस दिन आप पहुंचे पहले दिन, ताकि आपको असुविधा ना हो। आप इजीली अपने रोल नंबर्स वगैरह सर्च करके पर्टिकुलर जिस रूम में आपका रोल नंबर आया उस रूम में जा सके, वरना कई लोग क्या है लास्ट मोमेंट पर जब आते हैं ना तो आधा वाइब्रेशन तो उनके शरीर में तभी आ जाता है, अरे यार एग्जाम चालू हो रहा है मेरा कौन से रूम में है, भागते हैं इधर उधर। तो ऐसी हालत ना करें, पहले दिन कोई दिक्कत नहीं है, आप आधे घंटे पहले सेंटर पर पहुंच जाएं ताकि आपको इजीली अपने रोल नंबर ढूंढने में कोई असुविधा ना हो। वैसे हम लोगों में से कोई वहाँ रहता है फर्स्ट डे तो आपको पूरी हेल्प करते हैं हम लोग, उसके बाद जरूरी नहीं है कि हम हर बार आपके साथ रहें,